आज मैं ये इंटरव्यू आपसे ठीक एक दिन बाद कर रही हूँ, जब ऑपोजिशन की एक लंबी चौड़ी मीटिंग जो ऑनलाइन थी कल वो ख़त्म हुई है, और जो कई एक जो लिस्ट ऑफ डिमांड्स ऑपोजिशन ने रखा है। मीटिंग ख़त्म होने के बाद आपको क्या लगता है कि जो ऑपोजिशन की डिमांड्स थी, जो जिस एजेंडे से वो मीटिंग की गई थी, क्या आप उसे सफल मानते हैं, एक सक्सेसफुल मीटिंग मानेंगे? ये तो बहुत बड़ी अपोजिशन पार्टी की सफलता है कि कम से कम 22 पार्टियां एक जगह मिलकर और एक देश के लिए, खासकर COVID-19 को रोकने के लिए क्या करना चाहिए और सरकार की व्यवस्था क्या है और कौन से नए योजनाएं हैं हम देश के लोगों को अगर दिखाएंगे जी, और सरकार को भी अगर दिखाएंगे, तो निश्चित रूप से उसका फायदा जनता को होगा और देश के हित में हम सब काम करना और सब मिल के करना, यही हमारे पार्टी के अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी का संदेश और राहुल गांधी जी बार बार इसके बारे में नए नए योजनाएं और बड़े इकोनॉमिस्ट के साथ वो बात करके नए योजनाएं बना के वो सरकार के सामने और लोगों के सामने और सारे जनता के सामने रखे हैं। तो ये सारी चीजें जो हॉल पार्टी मीटिंग में कम से कम 22 पार्टी के जो बड़े बड़े नेता थे, जिसमें फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे, जिसे CPM के जनरल सेक्रेटरी येचुरी थे, शरद पवार जी थे, TMC के ममता बनर्जी उसमें हिस्सा लिए, उद्धव ठाकरे लिए, ऐसे बहुत से नेता इस मीटिंग में हिस्सा लिए जी, और वो अपने साथ रखे। हाँ, मिस्टर खड़गे, जो एक इम्प्रेशन जो आया है मीटिंग के बाद, और ऑपोजिशन की एक बहुत बड़ी भूमिका हर सरकार में रहती है कि सरकार को अकाउंटेबल ठहराना, सरकार जहाँ जहाँ गलत है आप उसकी अकाउंटेबिलिटी को फिक्स करें, लेकिन इस कोरोना महामारी के दौरान बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि ऑपोजिशन की जो पॉलिटिक्स है बिल्कुल खत्म हो चुकी है। क्या आप इस चीज़ से अग्री करते हैं? नहीं नहीं, ये गलत है कि देखिए, एक पूरे देश में और दुनिया में क्या ऐसी एक समस्या खड़ी हुई है, इसके लिए हम लोग क्या करना, इसके बारे में सोच समझ कर सरकार को सहायता दी, सरकार को मदद करने की कोशिश की। यहाँ तक कि ऐसे कठिन परिस्थिति में सोनिया गांधी जी ने ये कहा, जहां पर भी माइग्रेंट वर्कर्स है, अगर सरकार उनको ला नहीं सकती या वहां के स्टेट के सरकार उनको मदद नहीं कर सकती, तो कांग्रेस के कार्यकर्ता मिलके उनको वहां अपने डेस्टिनी को पहुंचाने का काम करें, खाना देने का काम करें, ये उनका। और दूसरी चीज आप भी जानते हैं, श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा ने खुद ही अपने लोगों को मदद करने के लिए, ये COVID-19 से जो माइग्रेंट वर्कर जहाँ फंसे हुए थे उनको लाने के लिए भी उन्होंने हजारों बसेस का तैनात किया था जी। लेकिन सरकार वो मदद लेना नहीं चाहती। एक तरफ हम कुछ काम करके जनता को मदद करना चाहते हैं, उनके डिफिकल्टीज को कम करना चाहते हैं, उनके मुश्किलात को कम करना चाहते हैं, लेकिन सरकार हमारी मदद लेने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे मुसीबत के वक्त हम पॉलिटिक्स नहीं करना, इसी मकसद से हम ये सारी चीजें, सारी मदद देने की कोशिश हमने की, वो लोग नहीं चाह रहे हैं, या जितने भी उनके नेता लोग हैं वो हमेशा कांग्रेस पार्टी का सोशल मीडिया पे मजाक उड़ाते हैं और हमारे खिलाफ बोलते हैं, और ये हमारे खिलाफ इतना ही नहीं, इसको इस पॉलिटिक्स के तहत ये कोरोना के आड़ में देश में
पोलराइजेशन का भी पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। खरगे साहब, अब कांग्रेस से हटकर जो इम्पोर्टेंट इश्यूज हैं इस पे बात करना चाहते हैं कि कल की मीटिंग जो ऑपोजिशन की हुई थी उसमें ये कहा गया था कि ऐसा लग रहा है कि सारी पावर्स को पीएमओ ने यूसर्प कर लिया है। सोनिया गांधी ने भी इस बात को मेंशन किया कि ऐसा लग रहा है कि स्टेट्स को कोई पावर नहीं दी जा रही है, कोई फ्रीडम नहीं दिया जा रहा है, एंड ऑल द पावर्स हैव बीन यूसर्प्ड बाय द पीएमओ। किस बेसिस पे ऐसा कह रहा है ऑपोजिशन? ये पहले से भी है, आज नया कोई बात नहीं। आज ये कोविड की समस्या आने के बाद ये लोग, दूसरे लोग रियलाइज कर रहे, लेकिन पहले से भी किसी वक्त भी वो जो भी निर्णय लेते थे वो खुद ही और पीएमओ ऑफिस ही लेता था। वो कभी कैबिनेट में ओपनली डिस्कस करके कोई निर्णय आज तक नहीं हुआ। जो निर्णय उनको करना है वही कैबिनेट के सामने रखना और उसकी मंजूरी लेना जी। तो ये कैबिनेट में घंटों से चर्चा करके या हर एक की बात सुन के कभी निर्णय लिया, इसीलिए पूरा पावर उनके पास है। और शाह जी के पास है, जो होम मिनिस्टर है, ये दोनों ही तय करते हैं। अब लोग उनके कैबिनेट के लोग भी डरते हैं इसलिए कि अगर हम कुछ कहे तो हमको मुसीबत है, या तो पोर्टफोलियो बदल जाएगा या ड्रॉप हो जाएंगे या कॉर्नर कर दिया जाएगा। ये असलियत है, मैं बता रहा हूँ। तो इसीलिए अब वो शुरू हुआ है, जब एक कोविड का मामला फेल्यूअर जब दिख रहा है, इसको कंट्रोल करने में जो फेल्यूअर हो रहे हैं, तो अब हर्षवर्धन साहब को WHO का प्रिसाइड करने के लिए या उसका अध्यक्षता करने के लिए उनके नेतृत्व में काम करने का ऐलान हो रहा है, और राजनाथ सिंह जी के घर में मीटिंग बुलाया जा रहा है। तो ये कब हो रहा है? अब हो रहा है, इसके पहले कभी हुआ था? लेकिन तो खरगे जो जी आपने ये एक बेसिस जो आपने बताया कि इस बेसिस पे आप ये कह रहे हैं कि सारी पावर्स इस समय पीएमओ के पास है, लेकिन सब हेल्पलेस है, मीडिया भी कुछ नहीं कर सकता, ऑपोजिशन भी कुछ नहीं कर सकता, एक बेबस लाचार ऑपोजिशन इस समय दिख रहा है, जो कि ये कहता है कि वो एक कंस्ट्रक्टिव ऑपोजिशन का रोल प्ले करना चाह रहा है और ये टाइम राजनीति का नहीं है, ये भी सही बात है। तो डायरेक्शन किधर से मिलेगा? अब इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं, जैसे आपकी पार्टी ने, कांग्रेस ने उठाया और बाकी ऑपोजिशन पार्टीज ने भी इस बात को उठाया कि जो ये 20 लाख करोड़ का कोविड रिलीफ पैकेज अनाउंस हुआ, इट्स अ क्रूअल जोक ऑन द नेशन। अब सरकार ने तो अनाउंसमेंट कर दिया, 5 दिन का 5 ट्रांशेस उन्होंने अनाउंस किए, लेकिन जेब में कितने पैसे इमीडिएट रिलीफ के लिए लोगों के पास जा रहे हैं उसका कोई हल अभी तक नहीं निकला। अब इसका जो रास्ता है, इसका जो डायरेक्शन है, वो ऑपोजिशन कैसे निकालेगा? देखिए, एक तो आपके बात से मैं सहमत नहीं हूँ कि अपोजिशन लाचार है या अपोजिशन के पास कोई ताकत नहीं है। अगर कोई कहते हैं तो वो सत्य से दूर है। अपोजिशन अपना काम कर रही है, लेकिन इस वक्त अगर जो भी एजिटेशन करना है या किसी बात को मनवाना है, तो कोविड इसमें जब लॉकडाउन है उस वक्त तो कोई ऐसा काम नहीं कर सकते। अगर करेंगे, देखिए कांग्रेस के लोग ऐसा कर रहे हैं, तो हमने इसको टॉलरेट किया। उन्होंने 20 लाख का जो ये अपना पैकेज अनाउंस किया, 20 लाख में क्या है? 20 लाख में सिर्फ लोगों को फायदा होने का एक 40,000 करोड़ का नरेगा का और 65,000 करोड़ रुपए खाने पीने के, वो धाने के लिए, ये सब इसको छोड़ के कोई पैसा लोगों के जेब में नहीं गया जी। ये चाहे वो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हो, चाहे दूसरे योजनाएं हो, सब सबको बताया है कि तिजोरी में पैसे हैं, बैंक में पैसे हैं, ले लो, बिल्कुल कर्जा लेना है उधर ले लो, हम उसको इंटरेस्ट कम कर दिए या इंस्टॉलमेंट आगे कर दिए हैं, यही है। उन्होंने कभी डायरेक्ट पैसा जब तक लोगों के जेब में नहीं जाएगा जी। जैसा राहुल गांधी जी ने कहा कि भाई पहले पैसे डालो उनके, और यही बात जो रघुराम राजन ने भी कहा राहुल जी के साथ डिस्कशन करते वक्त, यही बात नोबेल लॉरेंट समारे बैनर्जी जी साहब ने भी कहा, और वो पहले से भी कहते आ रहे हैं। और दूसरे कहीं इकोनॉमिस्ट
फ्रांस के इकोनॉमिस्ट भी यही कहा कि लोगों के हाथ में अगर पैसा आए तो ही लेकिन मिस्टर खड़गे, मिस्टर खड़गे इतने 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 विद्वान लोगों के मिस्टर खड़गे इतने विद्वान लोगों के बोलने के बावजूद केंद्र सरकार ने लोगों को जेब में पैसे नहीं डाले। नहीं, एक बात मैं क्लियर करना चाहता हूँ, इस 20 लाख में उन्होंने जो पैकेज दिया है जी, सब पुराने हैं, सब दिखावे हैं, सब क्या है, कर्जा लो आप कुछ भी करो, हम आपको ये छूट दे रहे हैं, वो छूट दे रहे हैं।